घरों की तरफ भी पानी जा रहा है। अगर इसी तरह से बारिश पड़ती रही तो लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। खरीद रहे हो नया घर बट बजट प्रॉब्लम्स की वजह से हो परेशान, बस एक कॉल कीजिए क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माकी जानी और हम देंगे आपको हाउसिंग लोन ऑफर्स अप्रूव्ड फ्रॉम लीडिंग बैंक्स एंड NBFCs। इजी एंड मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लो इंटरेस्ट रेट्स, फास्ट अप्रूवल, नो स्टेप हैसल फ्री प्रोसेस। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माकी जानी 9011280000। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर में गुरुवार दिन भर से चल रही बारिश रात 10 बजे के आसपास भी जारी रही, जिसके चलते वालदुनी नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। रात 9:45 बजे इसका स्तर काफी था, हालांकि खतरे के निशान से कम था, जिसके चलते लोगों को डरने नहीं पर नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं CHM कॉलेज के बाहर भी जल जमाव देखा गया। गुरुवार दिन भर उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, ठाणे सहित मुंबई में जबरदस्त बारिश रही। इस दौरान कई स्थानों पर जल जमाव के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अलग अलग वीडियो के जरिए देखते हैं क्या है हालात। पूरा रोड जाम हो गया है, पूरा भर गया है। ठाणे गोड़बंदर रोड है, ये ठाणे जाने की लाइन है, ये पूरा भर चुका है। यहाँ से गाड़ी जा ही नहीं सकती है। देखो ये गाड़ी गई है तो फंस गई है अंदर। Thank you.
ओम दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।